आज हम बनाएंगे राजमे बिल्कुल अलग और नए तरीके से। ये बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया बनते हैं। चलिए हम बनाते हैं राजमे। तो मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप राजमा, जिसे मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। ये अच्छे से भीग चुका है। अब हम इसे कुकर में डालेंगे। पानी और डालेंगे। 1 कप पानी लग गया है इसमें। आधा चम्मच नमक डालेंगे। ढक्कन बंद कर देंगे। इसे धीमी आंच में 3 सीटी लगाएंगे। अब मैंने लिए यहाँ कढ़ाई, उसमें तेल डाल दिया है। तेल गरम हो चुका है अच्छे से। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा प्याज भूनूंगी। 2 प्याज लिए हैं मैंने कटे हुए। हम देख लेते हैं तेल गरम हुआ है या नहीं। तेल गरम हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को गोल्डन होने तक भूनेंगे। थोड़ा से तलते हुए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। प्याज देखिए गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे वरना ये जल जाएंगे। इस तरह से सारा प्याज हम बाहर निकाल लेंगे। इसका तेल कढ़ाई में ही रहने देंगे। प्याज मैंने बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे ठंडा करेंगे, फिर हम इसे पीसेंगे। प्याज हम डालेंगे मिक्सर के जार में। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे हम पीसेंगे। देखिए प्याज का पेस्ट तैयार है। इसे मैंने निकाल लिया है मिक्सर से। चलिए फिर हम बनाते हैं राजमे हो चुके हैं हमारे। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। राजमे देखिए अच्छे से पक चुके हैं। तेल गरम हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे चला लेंगे। गैस का फ्लेम हम धीमा कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ प्याज। इसे भी चलाएंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। इस तरह से अब इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी। 3 टमाटर मैंने लिए थे, इसे मैंने पीस लिया है। इसे भी चला लेंगे इस तरह से। थोड़ी देर पकने देंगे टमाटर को। टमाटर देखिए अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसे चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज की प्यूरी, जिसे मैंने पीस लिया था। इसे इस तरह से चलाते हुए भूनना है थोड़ी देर में। इसे अच्छे से चला लेंगे।
अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। इसे भी अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं हमारे राजमे तैयार हैं। देखिए ये अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से और मसाले। 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा, जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसे चला लेंगे इस तरह से। देखिए इसमें इतना अच्छा कलर आ गया है। और मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी, थोड़ा सा क्रश करके इसे डालना है। अब डालेंगे धनिया। अब राजमे हमारे बनके तैयार हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।